नमस्कार बच्चों, श्री अक्षन कन्या पीजी कॉलेज हिंडन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको समाजशास्त्र से जुड़ी कुछ प्रमुख किताबों के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको पढ़ाई के दौरान पूरी पूरी तरह समझ आ जाएगा कि कौन सी किताब में क्या बताया गया है, किस विद्वान ने क्या बताया है, कि हम उस चीज़ का आकलन लगा सकें। क्योंकि बच्चों, पेपर में तो पूछा ही जाता है कि कौन सी किताब किस विद्वान ने लिखी है या किस समस्या से जुड़ी हुई है। कभी कभार तो एक किताब के बारे में टिप्पणी लिखने को आ जाती है। तो मेरा मानना है कि ये सब सारी चीज़ें के सिलेबस के साथ साथ आपको किताबों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बच्चा पढ़ाई तो कर लेता है, लेकिन जब उनको बेसिक चीज़ें जो समाजशास्त्र से जुड़ी हुई हैं वो पता नहीं होती हैं, इसके अभाव में उसका ज्ञान आधा अधूरा रह जाता है। हमारा प्रयास है हम आपको अच्छे से समाजशास्त्र का पूरा अध्ययन कराएं और आप इसमें अच्छे से इंटरेस्ट भी लें, ऐसी हमारी कोशिश है। आइए जानते हैं कुछ बुक्स के बारे में जो समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आइए बच्चों। तो सबसे पहले हम, जैसा कि टाइटल में देख पा रहे हैं, बुक्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ पुस्तकें हैं। तो सबसे पहली बुक है बेटा व्हाट इज सोशियोलॉजी। इस किताब का नाम ही है व्हाट इज सोशियोलॉजी, और ये जो किताब है वो लिखी है एलेक्स इंकल्स ने लिखी है। ठीक है, ये क्या है, समाजशास्त्र की जब शुरुआत होती है तो उसी दौरान इनका क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जा सकता है, समाजशास्त्र में योगदान इन्होंने दिया है। तो ये जो किताब है ये बताती है हमको कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, समाजशास्त्र की विशेषताएं क्या हैं, दूसरे अन्य सामाजिक विज्ञानों से समाजशास्त्र का कैसा रिश्ता है, समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, समाजशास्त्र में कौन कौन से संप्रदाय हैं, स्कूल्स हैं, लाइक एज दो तरह के स्कूल्स हैं, स्वरूपात्मक और सिंथेस्टिक संश्लेषित, इन सब के बारे में आपको, इसके बारे में ये जो किताब है इससे आपको जानकारी मिलेगी। आइए नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं, वो किताब है सोसाइटी। बेटा जो ये किताब है सोसाइटी, ये आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगी फर्स्ट ईयर में, खासकर मैकाइवर पेज की ये लिखी हुई किताब है। यानी मैकाइवर पेज कोई एक व्यक्ति नहीं है, दो विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, साथ ही इन्होंने साथ में एक किताब लिखी है। तो समाज के बारे में इन्होंने बताया है, इन्होंने बताया है जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का क्या है, एक जाल है, इसके बारे में बताया। वास्तव में बिल्कुल सही बात है, जब तक हम एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, अंत्यक्रिया नहीं करेंगे, तो हमें क्या पता लगेगा कि समाज बन रहा है कि बिगड़ रहा है। वो हमारे व्यूज़ पर डिपेंड करता है, हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है, हमारी अंत्यक्रिया पर। जब बिना अंत्यक्रिया के कोई भी समाज समाज नहीं कहलाया जा सकता, जब तक उनके बीच इंटरेक्शन प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें समाज के बारे में बताया गया है, इसमें बताया है ग्रामीण समाज कैसा है, औद्योगिक समाज कैसा है, नगरीय समाज कैसा है, जनजाति समाज कैसा है, ऐसे बहुत सारे इन्होंने बताया है। तो ये किताब बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपरों में, आप इसको याद रखना। एक नेक्स्ट बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन, ये किंग्सले डेविस जी ने लिखी है। इस किताब में बताया गया है समाज का ढांचा क्या है, समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, समाज का संगठन कैसा है, किन किन चीज़ों से समाज का निर्माण हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं, समुदाय, समिति, संस्था, इन सब के बारे में बहुत डीपली से बताया गया है। लेकिन आपको तो ये पढ़ने को नहीं मिलेगी, लेकिन क्या है, इसके बारे में हमारी जो लाइब्रेरी में किताबें उपलब्ध हैं फर्स्ट ईयर की, तो इनसे, ये कोई फाउंडेशन नहीं है, सेकंड ईयर में भी कभी कभार जब आप सामाजिक मानव शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें भी आपको क्या है, ये ग्रामीण से समस्याओं पढ़ोगे तो क्या है, हमें आपका जब ग्रामीण समस्या पढ़ोगे तो संगठन भी जानना होगा। इसलिए ये सारी किताबें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के लिए बराबर उपयोगी हैं, या कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम भी देते हो तो भी उसमें आता है। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया संगठन के बारे में है, ये जो किताब है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किंग्सले डेविस जी ने लिखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसके बारे में देख लेना। ठीक है, अगर इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि एक किताब है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। तो हमारे भारत का जो ग्रामीण समाजशास्त्र है, वास्तव में क्या है, जो हमारा जो भारत जो झलक दिखती है वो हमें ग्रामीण ही दिखती है, क्योंकि बहुत सारा जो भारत का हिस्सा है वो ग्रामीण है, क्योंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो
खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, कृषि पर डिपेंड है भारत की जो एक ज़्यादा वाला क्षेत्र है। और हमारा जो भारत है वो क्या है, 75% के आस लगभग 70% जो हमारा भारत है वो गाँव में बसता है। तो गाँव गाँव का देश कह सकते हैं, एक तरह से कंट्री यार्ड बोल सकते हैं इंग्लिश में बोले तो। कहने का मतलब है कि जो हमारे भारत की जो झलक दिखती है वो ग्रामीण में दिखती है मोस्टली। क्या है भारत में जो पूरा दो चीज़ें इसमें फैक्ट्री वाले हैं, एक तो कृषि वाला वेस्ट है इसमें, और दूसरा क्या है गाँवों में ज़्यादातर जो आबादी है वो गाँव में। अभी भी आज 21वीं सदी तक भी अभी भारत का जो अर्बनाइजेशन है वो नहीं पूरा हुआ है, मात्र 31% लोग क्या है कि शहरों में रहते हैं। तो इस सारी चीज़ों की जानकारी आपको रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक एक किताब है जो AR देसाई जी ने लिखी है तो उसमें आपको मिलेगी। ये हम किताब भारत का जब समाज पढ़ेंगे, एक किताब है जो दूसरा पेपर है आपका, उसमें इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इस क्रम में, एक किताब है 5th नंबर पर, किनशिप सिस्टम इन इंडिया। किनशिप सिस्टम इन इंडिया का मतलब है जो हमारे भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था कैसी है, रिश्ते नातों वाली बात के बारे में अगर बात करें तो जो ये किताब जो है इरावती कर्वे जी ने लिखी है। ये क्या इनका संबंध गुजरात से है, तो इनमें इस किताब में इन्होंने बताया गया है कि जो हमारे भारतीय समाज में जो रिश्ते नाते हैं, दूसरे के साथ हमारा क्या रिश्ता है, किस तरह से रिश्ते डेवलप होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी। तो इन्होंने भारत को मतलब मुख्यतः दो श्रेणी में बताया है, वैसे तो 4 श्रेणी बताई हैं, लेकिन जो मेन श्रेणी है वो क्या है, दो हैं। उसमें बताया है उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। उत्तर भारतीय जो हमारा है नॉर्थ इंडिया है, उसमें जो रिश्ते होते हैं बेटा वो किस आधार पर तय किए जाते हैं, दूर के रिश्ते तय किए जाते। जैसे कि मान लो अगर हम अपनी गुड़िया या किसी लड़के की शादी कर रहे हैं तो क्या है दूर के रिश्ते में, ये नहीं कि गाँव से छोड़ दूसरे तीसरे गाँव में कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक क्या है क्षेत्रीयता का सिस्टम बना हुआ है, पूर्व की बेटी पश्चिम का बेटा, ये कुछ सारी चीज़ें हैं। खासकर ये सब चीज़ें हैं देखी जाएँ तो पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जनजाति समुदाय में भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें हमारा मेन फोकस क्या है, जो नॉर्थ इंडिया है इसमें जो रिश्ते नाते जो व्यवस्था तय होती है वो किस आधार पर होती है बेटा, ये होती है हमारे दूर के रिश्तों का। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें, इसी के बारे में अध्ययन करें, तो दक्षिण भारत में पाएंगे कि जो रिश्ते नाते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी कार देखा गया है कि वो गांव में ही शादी कर लेते हैं, गांव में ही शादी कर लेते हैं या गांव से थोड़ी दूर पर शादी कर लेते हैं। जैसा कि आधुनिक समाज में नातेदारी का स्वरूप बदल रहा है, सारी चीज़ों में बदलाव आ रहा है, तो नातेदारी व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से क्या है, इसी पर आधारित ये किताब है। तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से क्या है सारी बातों को बताया गया है। तो ये बात रही, अगर 6th नंबर की किताब की बात करें तो इसमें कास्ट एंड रेस इन इंडिया के बारे में बताया गया है कि जो हमारे भारत में क्या है जाति और प्रजाति वाला सिस्टम है, कैसे हो रहा है, जाति की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से हम समाज में बटे हुए हैं, वो सारी व्यवस्था है। जैसे कि बच्चों 4 वर्ण तो आपको पता ही होंगे, पर उसमें इतनी गहराई में नहीं जाना चाह रहा हूँ। आज भी हमारा जो परंपरागत समाज है वो जातियों पर ज़्यादा विश्वास करता है। वैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली हैं, समाज भी बदल रहा है, अब जाति वाला सिस्टम थोड़ा कमज़ोर तो पड़ा है, लेकिन ये नहीं कह सकते पूरी तरह कमज़ोर पड़ा है, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। आज भी जाति और धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये जो किताब है GS गुरेश जी ने लिखी है। बच्चों अगर तुम जानते हो GS गुरु के का जो परिचय है वो हम किस रूप में जानते हैं, भारतीय समाजशास्त्र के रूप में। कहने का मतलब इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजी की जो शुरुआत की है वो उनको इंडियन सोशियोलॉजी का फादर भी मानते हैं। तो ये तो बात हुई GS गुरु, इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव गुरे जी, इनके बारे में भी डीपली पढ़ेंगे। और खासकर आप इसको इसके बारे में आप 2nd ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, 1st ईयर में भी थोड़ी थोड़ी जब जाति पढ़ोगे तब तुम्हें इसके काम में आएगा, क्योंकि जातियों का इन्होंने सारा 6 विशेषताएँ बताई हैं इन्होंने जाति की, उसके बारे में भी देखा जा सकता। अगर हम अगली बुक की बात करें, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। और जो ये किताब है बेटा, ये किताब MN श्रीनिवास जी ने लिखी है। इनकी जो किताब है वो क्षेत्रीय अध्ययन पर आधारित है। क्षेत्रीय अध्ययन का मतलब है इन्होंने गांव में जाकर अध्ययन किया है और उसके बारे में गांव की जितनी भी चीज़ें बदल रही हैं उसके बारे में बताया है। तो ये जो भारत में जो मतलब आधुनिक भारत में जो बदलाव आ रहे हैं आज के ज़माने में, मतलब कब आ रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद जो हमारा देश बदल रहा है उसके बारे में इसमें झलक देखने को मिलती है। MN श्रीनिवास जी ने इसके ऊपर लिखा है। इनको अगर कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं फील्ड स्टडी पर किसने ज़्यादा जोर दिया है, तो इसमें MN श्रीनिवास और SC दुबे जी का नाम आता है। आगे और भी बहुत सारी किताबों के बारे में जब बताएंगे तब इनके बारे में और डीपली बताएं। और पुस्तकीय अध्ययन में कभी कभी पूछ ले तो ये GS गुरेश जी हैं, आप इसको भी 1st ईयर में ही पढ़ोगे बेटा,
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तुम ये कहते हो गुरुजी ये थर्ड ईयर में क्यों नहीं है, थर्ड ईयर में इसीलिए जाएगा जब हम सामाजिक परिवर्तन पढ़ेंगे, समाज में समस्याएं आ रही हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो हमें ये वाली किताब पढ़नी पड़ेगी एम एन श्रीनिवास के बारे में। अगर अगली किताब की बात करते हैं 8 नंबर पर, वो है राजस्थान विलेज। इस बुक में क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत राजस्थान की क्या क्या परंपराएं हैं, क्या क्या रीति रिवाज हैं, क्या कर्मकांड वगैरह सारी बातों को बताया गया है, कैसा रहन सहन है राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्रों का, कैसे उनमें पंचायत का सिस्टम है, कैसे वो सारे अपने विवाद जो भी है सहमति या सब कुछ सुलझाते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। कौन सी किताब में, राजस्थान में, जो B.R. चौहान ब्रजराज सिंह चौहान जी ने लिखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और अगली किताब की बात करें तो द प्रिमिटिव कल्चर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, खासकर ये सेकंड ईयर के पेपर में, BA सेकंडरी ईयर पेपर सेकंड होता है ना, उसमें पूछी जाती है। E.B. टाइलर जी ने लिखी है ये किताब। ये किताब तीनों क्लास के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसका मैटर सभी किताबों में मतलब पेपरों में आता है क्लासों में। तो E.B. टाइलर, इसका मतलब है जब हम कल्चर से रूबरू होंगे, भारतीय संस्कृति या दूसरी संस्कृतियों के अध्ययन करेंगे, उनके सारे बारे में जानेंगे, आदिवासियों के संस्कृति के बारे में जानेंगे, जनजाति लोगों के कल्चर के बारे में जानेंगे, तो क्या हमें E.B. टाइलर की किताब पढ़नी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ओवरऑल हमारा प्रयास ये है कि आप कम से कम बेसिक नॉलेज तो हो जाए आपको किताबों के बारे में, कौन कौन सी किताबें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, किस किस विद्वान का क्या योगदान रहा है, थोड़ा एक ओवरव्यू टाइप में आज मैंने आपको बताने की कोशिश की। और एक लास्ट बुक और एक है बच्चों, वो है रिमेम्बर्ड विलेज, ये भी MN श्रीनिवास जी ने लिखी है, रिमेम्बर्ड विलेज। ये क्या है, ये एक नई किताब है, इन्होंने बताया कि सब अध्ययन करने के बाद क्या क्या हमने मतलब अध्ययन में पाया कि समाज का बदलता स्वरूप क्या है, कैसा है, कैसे कैसे हमें उस हिसाब से समाज को तैयार करना है, कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन की हमें ज़रूरत होगी, कौन कौन सी समाज में व्यवस्थाएं की जाएं जिससे कि समाज का अच्छे से विकास हो सके। तो बच्चों आज ये पूरी बातें हमने आपको बताई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी और आप इसका निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।